हुआ चैनल। इस वीडियो में आपको बताएंगे पेटीएम एप्लीकेशन से लोन कैसे लिया जाता है। ओके, तो भाई बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होता कि पेटीएम एप्लीकेशन से भी आपको पर्सनल लोन जो होता है वो मिल जाते हैं। ओके, तो पेटीएम ऐप से सबसे पहले आपको पेटीएम एप्लीकेशन खोलें। अगर आपके पास पेटीएम ऐप नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ से पेटीएम डाउनलोड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन का ऐसा इंटरफेस होगा, यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा पर्सनल लोन का। ओके, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको ना दिखे यहाँ पे पर्सनल लोन, तो यहाँ पे एक सर्च बटन होता है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं पर्सनल लोन, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो इस पर्सनल लोन पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा एंटर योर पैन नंबर, यानी आपके पैन कार्ड पे जो पैन नंबर एक होता है वो फिल करना है। पैन कार्ड पे फिर उसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ होती है वो टाइप करना है। एक ईमेल एड्रेस आपको कोई दे देना है, इन दोनों बॉक्स पे क्लिक करना है, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछा जाएगा यहाँ पे ऑक्यूपेशन डिटेल, कंपनी, ईयरली इनकम, होम एड्रेस, पिन कोड, पर्सनल और लोन। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है आपका ऑक्यूपेशन, मतलब क्या करते हैं। तो यहाँ पे आप सैलरी पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने तीन ऑप्शन आएंगे, आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर नॉट एम्प्लॉयड है। सैलरी का मतलब आप किसी कंपनी में जो है जॉब करते हैं, बीपीओ हो सकता है और फाइनेंस सेक्टर, कोई भी सेक्टर हो सकता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। ओके, जहाँ पे आपकी सैलरी आती है तो वो सैलरीड का सेक्शन होता है। ओके, बाकी अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, जैसे कि आपके खुद की शॉप है, बिजनेस है, वेबसाइट है, चैनल है, कुछ भी आप करते हैं, फ्रीलैंसिंग करते हैं किसी चीज़ की, तो आप यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में आएंगे, यानी आपका खुद का कोई काम करते हैं आप। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ये। नॉट एम्प्लॉयड मतलब होता है जैसे कि आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट आते हैं नॉट एम्प्लॉयड में, क्योंकि वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब नहीं कर रहे, तो वो इस सेक्शन में आते हैं। ओके, तो इसमें आपको सेलेक्ट कर लेना है, मेरे सेक्शन है सेल्फ एम्प्लॉयड का, हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे डन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, जैसे ही आप सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा बिजनेस नेम शॉप, तो यहाँ पे जो है हम जो है मेरा जो बिजनेस नेम शॉप में, तो यहाँ पे हम चैनल का नाम ही अपना टाइप कर देंगे। ओके, आपको भी इस तरह से करना है। अगर आपका कोई भी दुकान है या फिर आप कुछ पढ़ाते हैं तो फिर आप अपने हिसाब अपने नाम के आगे कुछ ट्यूटर क्लासेस इस तरह से लिख दिए, जो भी अपने हिसाब से आप यहाँ पे क्लिक कर दिएगा, टाइप कर दिएगा। ओके, फिर उसके बाद एंटर ईयरली इनकम, आपको ईयरली इनकम जो है टाइप कर देनी है जो भी आपकी है। ओके, उसके बाद होम एड्रेस, पिन कोड, यानी आप जिस एरिया में रहते हो वहाँ का एक पिन कोड होता है, वो पिन कोड आपको टाइप कर देना है यहाँ पे। फिर यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन है, इस पर क्लिक करना है कि आपको लोन किस लिए चाहिए। तो यहाँ पे इतने सारे सेक्शन आएंगे, वेडिंग, होम रेनोवेशन, एजुकेशन, मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैवल और रिपेमेंट ऑफ अनदर लोन, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हमको पर्सनल यूज़ की चाहिए तो हम यहाँ पे पर्सनल यूज़ पर क्लिक करेंगे, फिर नीचे डन पर क्लिक करेंगे। डन पर हमने क्लिक कर दिया। ओके, उसके बाद यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके कन्फर्म पर क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे कह रहा है क्रिएटिंग द बेस्ट ऑफर फॉर यू, आपके पैन कार्ड के हिसाब से देखा रहेगा कि आपके क्या लोन चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, उस हिसाब से आपके सामने जो भी लोन ऑफर ये लोग कर पाएंगे वो करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक OTP आएगी आपके मोबाइल नंबर पे, वो OTP आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। सिबिल की तरफ से एक OTP आती है, वो यहाँ पे आपको टाइप करनी है और सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ी लोडिंग होगी, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा इसमें एक मिनट, और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने बन के आ रहेगा कि आपको लोन देंगे कि नहीं। तो मेरे केस में कह रहे हैं सॉरी वी कैन नॉट प्रोसीड विद योर एप्लीकेशन, तो मेरे केस में जो है यहाँ पे हमको ये अभी जो है लोन नहीं दे सकते हैं कहा जाए, लेकिन इसके लिए कुछ टाइम के बाद जो है ये हमको जब भी हम एलिजिबल होंगे तो ये हमको नोटिफाई कर देंगे। ओके, तो मेरे केस में हमको पता है लोन इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे मेरे अभी जो दो लोन हैं जो चल रहे हैं, मतलब हमने उसका रिपेमेंट कर दिया लेकिन फिर भी वो सिविल की वेबसाइट पे दिखा रहे, तो जब वो सिविल की वेबसाइट पे दो लोन मेरे देख रहे हैं इस वजह से यहाँ पे हमको लोन ये लोग नहीं दे रहे हैं। ओके, बाकी जब मेरे जो ये दो लोन जो अभी करेंटली चल रहे हैं, जब ये सिविल की वेबसाइट पे जो जाके ये दो लोन एक्टिव है वो जब हट जाएंगे तो फिर हम लोन के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, हमको यहाँ पे लोन ये लोग दिखा देंगे। ये तब होता है जब आपका कोई पहले से एक दो तीन लोन चल रहे होते तो लोन आपको नहीं दिया जाता है। अगर आपका फ्रेश अकाउंट, अपने आप कभी तक की लोन लिए ही नहीं है, या फिर आपका कोई लोन नहीं चल रहा है, या फिर आपका सिर्फ एक लोन चल रहा है, तो आप इसको ट्राई करिएगा, वो ज़रूर लोन मिलेगा। ओके, तो ये प्रोसेस है गाइस। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।